ओह माय गॉड, वेरी मच ट्रेजेडी। मुस्कुराना सीख लो तुम, आंसुओं ने क्या दिया है। तो ये बात आईने से कहने की क्या जरूरत थी, आईने में भी तो आप ही हैं। खामा का इतनी मेहनत की, दिली दिल में कह लेती, काफी था। मतलब खुद को कहने में क्या मसला होता है कि आईने के ऊपर रख के कहना है। ये कुछ लोग होते हैं ना जो अपने ही नाम का जिक्र कर रहे होते हैं एज अ थर्ड पर्सन, मतलब फहीम वहां गया। अगर मैं किसी से कहूं एज अ थर्ड पर्सन तो कितना स्टूपिड लगेगा। आप सिर्फ इमेजिन करें, फहीम वहां गया, फहीम ने वहां से कोल्ड ड्रिंक उठाई और फहीम ने वहां बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी ली। फहीम तो मैं ही हूं, तो मैं ये क्यों नहीं कह रहा मैं वहां गया, वहां से कोल्ड ड्रिंक उठाई और मैंने वहां कोल्ड ड्रिंक बैठ के पी ली। नहीं, मजा आता है थर्ड पर्सन में गुफ्तगू करो। यहां वही हो रहा था। नेक्स्ट, वेरी गुड भाई, आप तो खलील जिब्रान हुई। हाँ मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि इस गाने के अगर हम बेस बनाए तो खलील जिब्रान साहब ने कहा था कि मैंने बुरों से बुराई सीखी और घटिया लोगों से जो है वो घटियापन सीखा और कंजूसों से कंजूसी और इस किस्म की तीन चार चीज़ें लिखी थी। मतलब उनकी भी गैदरिंग अच्छी नहीं थी, आपकी भी गैदरिंग अच्छी नहीं है। गैदरिंग का मसला है, आप गैदरिंग बदले। ये कहते हैं ना कि भैया इन बच्चों में ना बैठो बिगड़ जाओगे, आप वो वाली बच्ची हैं जिनके बारे में कहा जाता है इसके ना बैठो बिगड़ जाओगे, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट, ठीक है भाई, पक्की पक्की मशहूर क्या है। नहीं नहीं, मौले ने बताया भाई, हम क्यों बताएंगे। ठीक है जी, डन हो गया। कच्ची वाली मशहूर क्या होती है, पक्की और कच्ची मशहूर में क्या फर्क होता है, जरा प्लीज ये भी एलैबोरेट कर दीजिएगा। है क्या स्टैंप लगी होती है भाई, डाबू साहब ने बताया स्टैंप लगी होती है। पक्की वाली जो है वो आपकी पक्की पक्की है, कच्ची वाली जो है वो आपकी कच्ची पक्की है। तो समझ में नहीं आ रहा है ये मशहूर है या मुंबली है। नेक्स्ट, बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।